अमेरिका के कई बार मना करने के बावजूद भी उत्तर कोरिया लगातार मिसाइल टेस्ट कर रहा है। इस बीच अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच मतभेद और बढ़ सकते हैं। उत्तर कोरिया स्टेट मीडिया के अनुसार बुधवार को बताया गया कि देश की प्रमुख हस्तियों ने फैसला किया है कि देश को अमेरिका के साथ दीर्घकालिक टकराव के लिए तैयार रहना चाहिए। रूस के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने यूक्रेन की मदद करने का फैसला किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के यूक्रेन दौरे के बीच बाइडेन प्रशासन ने बुधवार को कहा है कि वह रूसी आक्रमण के बढ़ते खतरे के मद्देनजर यूक्रेन को $20 करोड़ की अतिरिक्त सैन्य सहायता प्रदान करेगा। दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में एक मॉडल की हत्या से सनसनी फैल गई है। अर्जेंटीना के रोसारियो शहर की यह घटना है, जहां एक गेस्ट हाउस में 21 साल की ओनली फैंस मॉडल मेलनी जुआरेस की बॉडी मिली है। मॉडल के शरीर पर चाकू से 14 वार किए गए हैं। भारत में कोरोना संक्रमण का असर तेजी से बढ़ रहा है और पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 3 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। देश में कोविड-19 की तीसरी लहर के दौरान एक दिन में सबसे ज्यादा केस हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 317,532 नए केस सामने आए हैं, जबकि इस दौरान महामारी की वजह से 491 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना संक्रमण के प्रसार को काबू में करने के लिए यूपी सरकार एक बार फिर से प्रदेश व्यापी स्क्रीनिंग अभियान शुरू करने जा रही है। इस अभियान के तहत 24 से 29 जनवरी के बीच स्वास्थ्य कर्मी निगरानी समिति के सदस्य घर घर दस्तक देंगे और सभी की सेहत का हालचाल लेंगे। कोविड के लक्षणों वाले लोगों को RRT के माध्यम से टेस्टिंग की जाएगी और संदिग्धों को दवाई का मुफ्त पैकेट भी दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव BJP में शामिल हो गई हैं। अब यह जानकारी सामने आ रही है कि BJP अपर्णा यादव को साल 2022 का चुनाव नहीं लड़ाएगी। इसी के साथ ही सरकार बनने के बाद अपर्णा यादव को लेकर BJP का प्लान क्या है, यह भी सामने आ चुका है। मध्य प्रदेश में स्कूल बंद होने के बीच आज से प्री बोर्ड एग्जाम हो रहे हैं। इस बार प्री बोर्ड एग्जाम टेक होम पैटर्न पर कराए जा रहे हैं, यानी छात्र इस बार घर से ही एग्जाम दे सकते हैं। बोर्ड ने परीक्षा से संबंधित नियम पहले ही जारी कर दिए थे। आज से सभी छात्रों को प्रश्न पत्र मिलने लगेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से बताया गया है कि 28 जनवरी तक 10वीं की और 12वीं की 31 जनवरी तक प्री बोर्ड एग्जाम होंगे। मध्य प्रदेश में ठंड का सितम जारी है। प्रदेश के कई जिलों में आज भी शीतलहर का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग की तरफ से अगले 24 घंटे के अंदर फिर से सर्दी का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि लोगों को विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग की तरफ से बताया गया है कि आज प्रदेश के कई जिलों में कोल्ड डे रहेगा, जिसमें ग्वालियर चंबल संभाग के अलावा रीवा दतिया राजगढ़ छत्तीसगढ़ टीकमगढ़ और बालाघाट शामिल हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहले वनडे मुकाबले में मेजबान प्रोटियाज टीम ने 31 रन की जीत हासिल की है और सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। केएल राहुल की सेना ने अच्छा खेल दिखाया, लेकिन कई अहम मौकों पर की गई गलती उनको भारी पड़ गई। शेयर बाजार में आज भी सुस्ती देखी जा रही है। इसके सेंसेक्स और निफ्टी इंडेक्स थोड़ी नरमी के साथ कारोबार कर रहे हैं। बाजार की वीकली एक्सपायरी आज है और सेंसेक्स करीब 150 अंक की गिरावट शुरुआत में ही दिखा चुका है। आज शेयर बाजार में गिरावट के साथ कारोबार की शुरुआत हुई और सेंसेक्स 60,000 के नीचे फिसल गया है। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।